एसटीवी न्यूज़ पर आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी द्वारा बाल देखरेख संस्थानों जैसे बालिका तथा बालक गृह आदि का किया गया औचक निरीक्षण, दिए गए कई अहम दिशा निर्देश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर न्याय रथों को किया गया रवाना। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर रथों के माध्यम से आम लोगों को किया जाएगा जागरूक। मदरसा अंजुमन इस्लामिया में पेरेंट्स टीचर मीट कार्यक्रम का किया गया आयोजन। माता पिता और अभिभावकों को पढ़ाई के प्रति जागरूक होने का दिया गया संदेश। पश्चिमी चंपारण डीटीओ द्वारा नानोसती में चलाया गया विशेष वाहन जांच अभियान। सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर कई गाड़ियों से वसूला गया जुर्माना। मादक पदार्थ के खिलाफ मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। तस्करी की योजना को नाकाम करते हुए कुल 399.4 किलोग्राम गांजा किया गया बरामद। ढाका थाना पुलिस ने चोरी के बाइक के साथ 3 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए तीनों को भेजा जेल। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सरकारी बस स्टैंड का किया जाएगा जीर्णोद्धार। कुल 1,34,00,000 रुपए की लागत से अगले वर्ष जनवरी माह तक बनकर हो जाएगा तैयार। मुंशी सिंह महाविद्यालय मोतिहारी और रोटरी क्लब मोतिहारी के संयुक्त तत्वाधान में आत्महत्या रोकथाम विषय पर एक विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने रखी अहम बातें। और बंजरिया थाना पुलिस ने 10 लीटर चुलाई शराब के साथ किया एक को गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में जिला निरीक्षण समिति आज बाल देखरेख संस्थानों जैसे बालिका गृह, पर्यवेक्षण गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया गया। वहीं जिलाधिकारी सर्वप्रथम विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान गए, जहां पर आवासित 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का जायजा लिया तथा बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जाँच कराने एवं समय पर इलाज कराने के लिए निर्देश दिया गया। वहां से निकलकर जिलाधिकारी बालिका गृह गए। बालिका गृह निरीक्षण के क्रम में बालिकाओं को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने बच्चियों को दिए जा रहे भोजन की जानकारी प्राप्त की एवं भोजन चख कर भोजन की गुणवत्ता की जांच की। बच्चियों के शैक्षणिक विकास के लिए जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश भी दिया। बच्चियों के सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को निर्देशित किया गया। उक्त मौके पर बालिका गृह की बच्चियों द्वारा स्वयं से बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट जिलाधिकारी को भेंट के तौर पर दिया गया। बाल गृह के निरीक्षण के दौरान बालकों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया। बच्चों द्वारा स्वयं से बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट जिलाधिकारी को भेंट के तौर पर दिया गया। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल द्वारा इसकी खूब प्रशंसा की गई तथा बच्चों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विकसित करने के लिए सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देशित किया गया। पर्यवेक्षण गिरी के निरीक्षण के क्रम में वहां मौजूद किशोरों से बातचीत की गई एवं किशोरों को जीवन में पूर्व की गलतियों को बुलाकर आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया गया। पर्यवेक्षण गिरी की सुरक्षा व्यवस्था एवं वहां साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। बाल देखरेख संस्थानों के निरीक्षण में जिलाधिकारी मोतिहारी के साथ साथ सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, सिविल सर्जन, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान तथा बाल संरक्षण पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के अलावा अन्य कर्मीगण उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी के द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर मोतिहारी में आज न्याय रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इन रथों के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जाएगा एवं इसको लेकर लोगों को जागरूक बनाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर मोतिहारी में 14 सितंबर 2024 को 10 बजे दिन से ही हो रहा है। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष उपाध्याय एवं अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण राकेश कुमार दुबे भी उपस्थित थे। वहीं सचिव डालसर राजेश कुमार दुबे ने बताया कि
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण मोतिहारी के तत्वावधान में दिनांक 14 सितंबर 2024 को 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूर्वी चंपारण व्यवहार न्यायालय परिसर मोतिहारी में किया जाएगा, जिसमें सुलह योग वादों का निष्पादन आपसी समझौतों के आधार पर किया जाएगा। सुलह योग वादों तथा आपराधिक मामले, दीवानी मामले, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भू अधिग्रहण, राजस्व, बिजली पानी एवं अन्य विपत्र से संबंधित एनआई एक्ट 138 के अंतर्गत दर्ज केस, बैंक ऋण, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन से संबंधित विवादित मामलों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। संबंधित पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में बिना खर्च के बिल्कुल मुफ्त में तत्काल समाप्त करा सकते हैं। पूर्वी चंपारण के मदरसा अंजुमन इस्लामिया में गार्जियन और शिक्षक मीट का आयोजन आज किया गया। वहीं मदरसे में आए हुए बच्चों के गार्जियन को मदरसे के शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार के सभी सरकारी स्कूल एवं मदरसे को एजुकेशन किट दिया जा रहा है, जिसे आज बच्चों के बीच वितरण किया गया। वहीं शहर के मशहूर डॉक्टर रहमानिया मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर के MD डॉक्टर तबरेज अजीज ने कहा कि आज मदरसा अंजुमन इस्लामिया में गार्जियन और शिक्षक की मीटिंग रखी गई थी, जिसके जरिए गार्जियन को बताना था कि बच्चों को समय से मदरसा भेजें एवं उनके पढ़ाई लिखाई की अहमियत को समझें। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये गार्जियंस और टीचर्स मीटिंग है और गार्जियंस आज़ाद के जो उनको समझाना भी है कि बच्चों को मदरसों में लाना है और उसकी पढ़ाई की अहमियत को बतलाना है, और वो गार्जियंस के साथ भी कोई प्रॉब्लम्स है उसको देख के यहाँ के टीचर्स उसको सेट करेंगे। कि गवर्नमेंट के तरफ से बहुत से इनिशिएटिव्स आ रहे हैं जो ख़ास करके मदरसों के लिए भी, और ये बहुत अच्छा है, जिससे कि मुसलमान बच्चे शिक्षा हासिल करेंगे और मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो इन चीज़ों का एक मुजाकरा है और ये बहुत ही बेहतरीन है कि टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और लगन के साथ इसको आगे ले जा रहे हैं, और एक तरह के ये समझिए, मैं तो देख रहा हूँ कि इनकलाब आ रहा है। वहीं इस दौरान इमाम और शिक्षकों ने भी क्या कुछ कहा, सुनिए। बच्चों को गार्जियन को मधु किया गया था, बुलाया गया था, ताकि बच्चे जो पढ़ते हैं उनसे गार्जियन मुतमईन है कि नहीं है, और अगर किसी तरह कोई कमी बेशी है तो उसको बताएं। और हमारी तरफ से गुजारिश ये है उनको पुरजोर तौर पर कि बच्चे क्लास नागा नहीं करें। बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए और उनके बच्चों के वालदैन के सामने जो उनको किट्स दिया गया है, किताबें दी गई हैं, वो इस बात की दलील हैं कि मदरसा और हुकूमत दोनों बहुत ही सिंसियर है कि बच्चे आगे बढ़ें, तालीम हासिल करें, और पेरेंट्स को ये एहसास हो कि मदरसे में बच्चों का ख्याल रखा जाता है, अच्छी तालीम दी जाती है, किताब फराहम की जाती है, और सरकार भी इससे पीछे नहीं है। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि मदारिस आगे बढ़ें, वहाँ के बच्चे ऐसे हों जो मुल्क की खिदमत कर सकें, खिदमत के लायक। आजकल ज़िले में सड़क सुरक्षा के प्रति आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से सघन वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ललन प्रसाद ने नानोसती चौक पर वाहन जांच अभियान चलाकर विभिन्न वाहनों की जांच की, साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की गई। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी ललन प्रसाद ने बताया कि किसी भी समय उनके द्वारा वाहन जाँच की जा सकती है और उनके नियमों के उल्लंघन की स्थिति में त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि यातायात नियमों का सख्ती से पालन हो और आम लोगों पर भी इसका व्यापक असर हो सके। आगे उन्होंने कहा कि विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही साथ जांच के क्रम में नियमानुसार जुर्माना राशि भी वसूल की जा रही है। इस दौरान वह अचानक नानोसती स्थित पेट्रोल पंप का निरीक्षण करने पहुंच गए। पेट्रोल पंप पर DTO को देख कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप पर मिले कर्मचारियों से उन्होंने शौचालय चेक कराने को कहा। शौचालय देखने के बाद DTO ने काफी नाराजगी व्यक्त की। शौचालय में ताला लगे होने और शौचालय गंदा मिलने पर उन्होंने कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई और कार्यरत कर्मचारियों को साफ सफाई दुरुस्त रखने एवं पेट्रोल पंप पर मिलने वाली जन सुविधाओं को सुचारू तौर पर जारी रखने का दिशा निर्देश दिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 पिपरा कोठी के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना को मादक पदार्थ की बरामदगी एवं गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।
मुफस्सिल थाना द्वारा अपने दलबल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए अंचलाधिकारी सदर के उपस्थित में सघन छापामारी कर NH-28 बैरिया देवी माई स्थान के समीप सरदारजी गैरेज से हल्का गड्ढा नुमा बना हुआ जमीन में रखा हुआ प्लास्टिक में बड़ा बंडल पैक किया हुआ 27 बंडल गांजा बरामद किया गया है, जिसका कुल वजन 399.4 किलोग्राम बताया जा रहा है। बता दें कि नेपाल से टैंकर में छुपाकर गांजा जैसे मादक पदार्थ भारी मात्रा में लाया जा रहा है, जिसे सरदारजी नामक गैरेज में छुपाकर रखा गया था, जो गैरेज पिपरा कोठी एवं मुफस्सिल थाना के आसपास है। इस संदर्भ में मुफस्सिल थाना द्वारा कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लगातार रेड छापामारी और सूचना संकलन करने का निर्देश दिया गया था। उनके निर्देश के आलोक में विशेष टीम गठित कर लगातार रेड छापामारी और सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी क्रम में दिनांक 9/9/24 को पुलिस अधीक्षक महोदय के इनपुट पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम बैरिया देवी स्थान पर सरदार जी नाम के गैरेज से 27 बंडल में कुल लगभग 4 क्विंटल गांजा को बरामद किया गया है। उक्त आलोक में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 433/24 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की गई 2 बाइकों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पूर्वी चंपारण जिले के पचपकड़ी थाना क्षेत्र के खरिहनिया मलाई टोला निवासी दिनेश सहनी का पुत्र ललन कुमार तथा पताही थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी नन्नू पासवान का पुत्र अनिल पासवान और गंगा बैठा का पुत्र शनी बैठा बताया गया है। पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई करते हुए तीनों व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केंद्र की मोदी सरकार अब चंपारण वासियों को अब बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार ने पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सरकारी बस स्टैंड के जीर्णोद्धार करने का बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत NTPC के माध्यम से 1,34,00,000 रुपये की लागत से सरकारी बस स्टैंड में वेटिंग हॉल, अत्याधुनिक शौचालय, पार्क, लाइटिंग, फाउंटेन के साथ साथ खूबसूरत भवन बनाने का निर्णय लिया गया है, जो अगले 2025 के जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार द्वारा लगातार सरकारी बस स्टैंड से यूपी नेपाल के साथ कई अन्य जिलों के लिए सीधी बस की सेवा शुरुआत की है। वहीं यात्रियों को परेशानी न हो इसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने सरकारी बस पड़ाव को अत्याधुनिक सुविधा देने का फैसला लिया है और इसको लेकर निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। वहीं बस स्टैंड के कायाकल्प कार्य की देखरेख कर रहे राजकुमार ने बात करते हुए कहा कि कुल 2.5 एकड़ में बस पड़ाव का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जहां केंद्र सरकार 1,34,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर रही है, जिसमें पार्क, फाउंटेन, यात्री शेड, प्रतीक्षालय, हाईटेक शौचालय के साथ साथ कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। अब सिर्फ अगले 4 महीनों में लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। क्या क्या यहाँ पे यहाँ का पूरे एरिया को डेवलप किया जाएगा, देखने में सौंदर्यीकरण इसको समझिए ना, सीधा सौंदर्यीकरण क्या क्या, मतलब जो पैसेंजर एमिनिटीज है उसको बढ़ाया जाएगा, उसके बाद जो ये रास्ता धूल मिट्टी है ये सब आपको एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन डेवलप मिलेगा। और क्या मतलब क्या क्या, फाउंटेन रहेगा, गार्डन रहेगा, आपको पैसेंजर्स का एमिनिटीज के लिए टॉयलेट, एक यात्री शेड। मुंशी सिंह महाविद्यालय में रोटरी क्लब मोतिहारी महाविद्यालय की NSS इकाई और सेहत केंद्र इकाई के संयुक्त तत्वाधान में आत्महत्या रोकथाम विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने धर्म में आत्महत्या के रोकथाम संबंधी पहलुओं पर बहुत ही गंभीर चर्चा की। वहीं मौके पर रोटरी क्लब मोतिहारी के अध्यक्ष ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए आत्महत्या के समाजशास्त्रीय परिपेक्ष की चर्चा की। भारतीय संदर्भ में बढ़ रही संवादहीनता को भी इन्होंने आलोचना की। संगोष्ठी में मौजूद सैकड़ों युवा छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अतिथि वक्ता एवं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नगमा जमीर ने आत्महत्या के कारणों की चर्चा करते हुए इसके रोकथाम की संभावनाओं पर अपनी बात रखी। इन्होंने आत्महत्या के पीछे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों पर विचार करते हुए तथ्यपरक आंकड़ों के माध्यम से इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया। डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी ने अपने वक्तव्य में मानसिक मजबूती को महत्व देते हुए आत्महत्या के रोकथाम पर अपने विचारों को रखा। मौके पर मुंशी सिंह विधि महाविद्यालय के संकाध्यक्ष डॉक्टर मयंक कपिला, राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष सह NSS और सेहत केंद्र इकाई के संयोजक डॉक्टर अमित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विदिशु दीक्षित, प्रोफेसर MN हक आदि भी मौजूद थे।
पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बंजरिया थाना पुलिस ने आज सिंह हिवन निवासी गुंजन कुमार पाठक को 10 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ पकड़कर जेल भेज दिया है। उक्त जानकारी देते हुए बंजरिया थाना अध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने कहा कि गुंजन कुमार जो सिंह हिवन निवासी है वो चुलाई शराब बेच रहा था। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि सिंह हिवन में एक आरोपी चुलाई शराब की बिक्री कर रहा है, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे 10 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।